बसमिल गाइस मेरा नाम एडवोकेट अलीगोर खोखर है मैं हाजिर हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ रिसेंटली uh, मैं जो है जाफराबाद नसीराबाद डिवीजन डिस्ट्रिक्ट सोबतपुर विज़िट करके आया हूँ वहाँ के हालात बहुत ही ख़राब हैं uh, सैलाब जदगान लोग रोडों पर बैठे हैं वहाँ पर दवाई राशन हर चीज़ की क़िल्लत है राशन जो है ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो घरों में बैठे हैं जिन लोगों को टेंट्स की तंबू की ज़रूरत है आ, उन लोगों तक तो वो रसाई वो तंबू नहीं पहुंच पा रहे हैं वो टेंट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं वो जो चीज़ें हैं ऐसे साहिब हैसियत लोगों को दी जा रही हैं जो लोग जिन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है तो इंतहाई दुख और अफसोस की बात है कि हमारी जो वफाकी गवर्नमेंट है और बलूचिस्तान जो गवर्नमेंट है इनकी खामोशी देखकर कर हैरत सा महसूस होता है मैंने वहाँ पर विज़िट किया यूनिसेफ़ की तरफ से एन की तरफ से टेंट्स और राशन तकसीम किया जा रहा है मगर नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जो लोग मुल्क के दावेदार होते हैं जो वही पार्टियाँ एक रुपया भी अपने नाम से अपने फंड से नहीं दे रही हैं इनके शर्म और हया की बात है अफसोस से कहना पड़ रहा है सिंध में मैंने डिस्ट्रिक्ट जैकमाबाद विजिट किया कोई काम नहीं है किसी पार्टी किसी भी पार्टी की तरफ से मेरा टारगेट कोई मखसूस सियासी पार्टी तो नहीं है मगर तमाम पार्टियाँ चाहे बलूचिस्तान की हों वफा की हों सिंध से हों पंजाब से हों किसी का काम देखने में नहीं आया एन के काम हम देख सकते हैं क्या ये उन सियासतदानों की रिस्पांसिबिलिटी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो इन गरीबों को इन गरीबों को राशन दे इन गरीबों को अहल बनाए, इन गरीबों को टेंट दे, इन गरीबों को घर बना कर दे मगर अफ़सोस की बात है कि ये लोग अपने सियासत में अपनी सियासत के पीछे हैं ये लोग बहुत ही अफसोस है ऐसी पार्टियों पर जो ख़ुद को पाकिस्तान का दावेदार करती हैं जो ख़ुद को कहती हैं कि हम वारिस हैं ग़रीब लोगों के ग़रीब लोग रोडों पर दरपदर हैं गरीब लोगों को और अफलास से मर रहे हैं ग़रीब लोग बीमारियों में झुलस रहे हैं अफसोस अफसोस इन बहुत बड़ी पार्टियों पर सरमादारों पर हेलीकॉप्टरों पर घूम सकते हैं प्राडो गाड़ियों पर घूम सकते हैं बड़े बड़े गाड़ियों पर घूम सकते हैं मगर गरीबों की मदद नहीं कर सकते इनके पास गरीबों की मदद क्या उनके पूछने के लिए टाइम भी नहीं है हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट सोबतपुर पानी में डूब रहा है नसीराबाद डिवीज़न पानी में डूब रहा है पूरा सिंध पानी में डूब रहा है मगर हमारे लीडरान जो हैं विज़िट करने तक को नहीं आते शहबाज शरीफ साहब दो तीन मरतबा सोबतपुर नसीराबाद डिवीज़न आए मगर उन्होंने भी तकसीम वडेरों तानाशाहियों में की अफसोस की बात है आ, मैं भी खुद गया मुझे भी जन्नतफरदोस ट्रस्ट की तरफ से जो है आ, जो फ़ंड मिला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने मुझे दिया मैंने वो फ़ंड इन मस्तहकिन इन हकदारों में तकसीम किया क्योंकि मैं किसी वडेरा तानाशाही की औलाद से नहीं हूँ मुझे पता है क्या चीज़ कहाँ देनी है खुदा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वफाकी हुकूमत पाकिस्तान आज लोगों के पास ना रोटी है न कपड़ा है ना मकान है लोग रोडों पर दरपदर हैं मगर सियासतदान सियासत करने में सियासत करने के पीछे हैं अफसोस की बात है चाहे कोई भी पार्टी हो जिस पार्टी से मेरा ताल्लुक़ हो चाहे उसकी कारदगी भी, भी क्यों ना हो सबकी कारकर्दगी सामने है हमारे बलोस्तान के जो लीडरान हैं वो कहते हैं कि हमसे जो है सोतेली सोतेले माँ जैसा या सोतेल बेटा जैसा सलूक किया जाता है अफसोस बलूचिस्तान हुकूमत से करना पड़ रहा है कि आप लोगों ने भी तो नसीराबाद डिवीज़न के साथ सोते ले बैठे जैसा सलूक कर रखा है आप लोगों ने क्या दिया है नसीराबाद डिवीज़न को हर किसी को बस अपने घर भरने में मसरूफियत है किसी को घर भरने से मसरूफियत हो तो इन गरीबों को भी कुछ देख लें इन गरीबों के लिए भी कुछ कर ले अफसोस होता है Uh, मैं पर्सनली मैंने बहुत विज़िट किया मगर कोई भी एक सियासी जमात ने एक रुपए का भी काम नहीं किया है मैं सलाम करता हूं उन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रस्ट्स को जिन्होंने बहुत काम किया मेहनत किया इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सोबतपुर है मैं और तमाम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से और उन सियासी पार्टियों से रिक्वेस्ट करता हूं आप सुबहपुर का विज़िट करें देखें लोग कितने हक़दार हैं रोडों पर पड़े हैं और मैं रोटी कपड़े मकान वालों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग आएँ इनको देखें इनका विजिट करें इनकी मदद करें ये आप लोगों की रिस्पांसिबिलिटी है उम्मीद है और मेरी रिक्वेस्ट भी है सबसे मेरी इस वीडियो के बाद आप तमाम लोग आएँगे विज़िट करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करता हूं तमाम बलूचिस्तान की पार्टियों से पाकिस्तान की पार्टियों से आप लोग आए विज़िट करें देखें ये आप लोगों के लोग हैं ये वही लोग हैं जो आप लोगों को वजीर अज़म बनाते हैं ये वही लोग हैं जो आप लोगों को एक में बैठाते हैं ये वही लोग हैं जो आप लोगों का पेट पालते हैं ये वही लोग हैं जिनकी मेहनत से आप लोगों के घरों के दिए जलते हैं जिनकी मेहनत से आप लोगों के घरों के घरों में रोटियाँ पकती हैं तो मैं आवाम से भी एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने लोगों से भी आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा नारे लगाने के बजाय अपने हक अपने हक़ के लिए खड़े हो जाए आप देखें आप लोगों के लिए किसने काम किया है खुदा की कसम है किसी एक सियासी पार्टी ने आप लोगों के लिए कुछ भी एक रुपए का काम नहीं किया है ये सब वो एन जी ओज हैं एन जी ओज़ कोई सियासी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होते एन जी ओज़ जो है डोनेशन से आते हैं ज़्यादातर ओवरसीज़ जो लोग होते हैं बाहर के मुल्कों के जो लोग होते हैं वो डोनेट करते हैं या कुछ कुछ जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो इनको डोनेट करते हैं वो आप लोगों तक तो पहुँचाते कोई सियासी पार्टी आप लोगों को नहीं देती उल्टा ये उन लोगों का माल हड़प करके अपने जो हैं वडेरों तानाशाहों को देते हैं उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा सिर्फ पसंद नहीं करना है अमल भी करना है अपने हक़ हाँ के लिए जो खड़ा नहीं हो सकता वो कभी भी अपना अपनी किस्मत नहीं बदल सकता जैसा कि अल्लाह पाक फरमाते हैं वो कौम कभी तरक्की नहीं करती जो अपनी किस्मत खुद ना बदलना चाहे शुक्रिया हाफिज़ मैं हूँ एडवोकेट अलीगढ़ स्टार अलीगुर चैनल के साथ शुक्रिया हाफिज़